वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK वर्ड झांसी ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भारत की पवित्र नगरी हरिद्वार में आया हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हरिद्वार की हर की पौड़ी के बारे में बताऊंगा और वहाँ का जो गंगा नदी का किनारा है और गंगा नदी का जो तट है उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। आज मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉर्निंग आरती दिखाई थी, गंगा आरती इसको कहते हैं, मॉर्निंग में दिखाई थी। और अब इस वीडियो में आप लोगों को हर की पौड़ी में लोग जो स्नान कर रहे हैं और हर की पौड़ी का जो महत्व है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ये सामने की तरफ गंगा जी का घाट है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे घाट हैं। यहाँ पे जो मेन फेमस घाट है वो है हर की पौड़ी, जहाँ पे संगम भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे तीन नदियाँ आके मिलती हैं जिसकी वजह से इसको संगम बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो भारत का एक पवित्र मेला है जिसको संगम बोलते हैं, वो यहाँ पे 11 साल में एक बार लगता है। तो दोस्तों, संगम ख़त्म हो चुका था और ये लास्ट का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो पवित्र नगरी है, कहते हैं कि हरिद्वार में हिंदू धर्म के अनुसार लोग अपनी अस्थि विसर्जन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे किसी की मृत्यु होती है या किसी का पुण्यदान वगैरह करा जाता है तो वो डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति करता है और वो ज़िंदगी भर के लिए अमर हो जाता है। काफ़ी सारी यहाँ के बारे में बातें हैं। ये नज़ारा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए सामने की तरफ घंटाघर है। यहाँ पे जो किनारा है गंगा जी का, यहाँ पे चारों तरफ उसको बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि गंगा जी की जो धार है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहती है, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो श्रद्धालुओं को, इसकी वजह से बैरिकेडिंग की गई है। और बैरिकेडिंग के अपोजिट साइड जाने की परमिशन नहीं है। और घाट के बगल से ही काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। मोस्टली प्रसाद की दुकानें हैं, होटल्स हैं और मतलब हर तरीके की शॉप्स हैं यहाँ पर जो आपको ज़रूरत है। ये गंगा जी का किनारा, यहाँ पर बहुत कम लोग नहाते हैं, बट मेन जो है हर की पौड़ी है, जहाँ पे मैं धीरे धीरे आप लोगों को वहाँ पे जाता हूँ, आसपास का नज़ारा दिखाते हुए वहाँ पे चलता हूँ। पहले के बजाय अब इस जो गंगा जी का चारों तरफ का एरिया है इसको काफ़ी अच्छा सजा दिया गया है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालु साधु संत यहाँ पे आते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं गंगा जी हमारी पवित्र नदी है जिसको हम माँ के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार गंगा को गंगा माँ के नाम से पुकारा जाता है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, मैं पुल पार करके आगे की तरफ लेके चलता हूँ। जो मेन एरिया है हर की पौड़ी का, जहाँ पे भी चिकनी तीनों नदियों का संगम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को। श्रद्धालु देखिए आप, कितने सारे श्रद्धालु हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, पास से ले जाके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो गंगा जी की तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है जिससे कि ज़्यादा क्राउड ना हो, बीच में हर तरफ से एक एक धार लेके छोटी छोटी नहर बना दी गई हैं जिसमें कि श्रद्धालु आराम से अपना स्नान कर सकते हैं और माँ की आरती कर सकते हैं। श्रद्धालु, मॉर्निंग का टाइम है तो लोग अपना गंगा जी में स्नान करने की तैयारियां कर रहे हैं। ये देखिए, ये गंगा जल भरने के लिए यहाँ पे ये कुछ सामान मिलता है जिसमें आप गंगा जल भर के लेके जा सकते हैं अपने घर की ओर। ये घंटाघर है सामने की तरफ। ये नज़ारा देख के दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस होगा और मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे आइए। और ये देखिए जो मैं आपको हर की पौड़ी बता रहा था, यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो गई है। ये जो गंगा जी का मंदिर है, गंगा माई का, उसके साइड से स्टार्ट हो जाती है।
ये मैं दूसरे साइड का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, पास से ले जाके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये दोस्तों जो एरिया है ना, हमारा पवित्र स्थान है और यहाँ पर हमेशा भीड़ होती है, श्रद्धालु हमेशा यहाँ पर डेली बेसिस पे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा दिखता है और मेला के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बट हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी कर दी गई हैं। देखो ये प्लेन उड़ रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग हर की पौड़ी के मेन एरिया में आ गए हैं जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। ये देखिए सामने की तरह गंगा माँ का मंदिर है और ये देखिए धार कितनी तेज़ चल रही है, लोग यहाँ से पार करके निकल रहे हैं, नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आज मुझे भी यहाँ पे स्नान करने का, गंगा माँ में स्नान करके अपने आप को पवित्र करने का मौका मिला है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, ये जो मन को भाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लगेंगी। यहाँ पे चारों तरफ से हर की पौड़ी को ब्रिज के थ्रू जोड़ा गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को ज़्यादा परेशानी ना हो और श्रद्धालु यहाँ पे इजीली पहुँच जाए। देखिए लोगों का स्नान कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। गंगा जी का यही एक पवित्र स्थान, बहुत सारे पवित्र स्थान हैं जिसमें से ये भी अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम लोग आगे तरफ चल रहे हैं दोस्तों, चारों तरफ से मैं यहाँ पे हरिद्वार में जो भी हर की पौड़ी है और बाकी के जो भी जगह हैं वो सारी चीज़ें आपको आसपास की दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे जो गंगा जी की आरती होती है ये मॉर्निंग के टाइम पे होती है और इवनिंग के टाइम पे होती है दोस्तों, और मेन वही होता है यहाँ पे जिसमें आपको एक अच्छा सी अनुभूति होगी। अगर आप गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं ना तो आपको एक अच्छी सी अनुभूति होगी, मतलब मन को शांति प्रोवाइड होती है, मतलब शांति का एहसास होता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को गंगा आरती दिखाई थी और आज आशा करूँगा इवनिंग वाली गंगा आरती भी आप लोगों को दिखाऊँगा। आज हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, सब प्रसाद लेना है वो भी ले लूँगा और आप लोगों को ये गंगा जी का ऊपर से ब्रिज के ऊपर से नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों ये देखिए यहाँ से चारों तरफ का आपको नज़ारा, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से ऊपर से बाहर जाने का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पे होटल्स वगैरह की काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं, हर की पौड़ी के जस्ट बगल में आपको होटल्स धर्मशालाएँ मिल जाएंगी और खाने की भी अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये है, ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है ऊपर जाके, यहाँ पे श्रद्धालु अपना बाहर से आ सकते हैं। रुकने की भी यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं, अंतिम व्यवस्था बहुत प्यारी से। यहाँ ऊपर से मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाऊंगा दोस्तों। ये जो एरिया है हर की पौड़ी का, चारों तरफ से इसमें पहाड़ जो एक चार चांद लगाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देते हैं और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, हरियाली बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और आज बारिश हो रही है, काफ़ी दो तीन दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत सा लग रहा होगा आप लोगों को, वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक टीका भी लगवा लूँ भगवान जी का, आया हूँ तो ये मौका बार बार नहीं मिलता है, तो देखो जैसे कोई मिलता है तो मैं एक टीका लगवाता हूँ अपने आप में। देखिए काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं, तो दोस्तों मैं टीका लगवाता हूँ आप लोगों को, जो यहाँ का फेमस टीका है हरिद्वार में शिव जी का लगाते हैं वो देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं। काफ़ी अच्छा अनुभूत हो रही है, मुझे एहसास हो रहा है इस चीज़ का, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मुझे हरिद्वार आने का मौका मिला दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ पे रुकें, देखें भारत की संस्कृति को। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।